ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप की रील्स बना के रील्स पे अपलोड करोगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। बट उससे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा आपने लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अपने वी एन ऐप को डाउन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको इसमें फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने कितनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता दूँ, आपने 11 फ़ोटो आपने ले लेनी है। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहो तो शुरुआत में आप वीडियोस भी यूज़ कर सकते हो या फ़ोटो को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो यूज़ करने वाला, मेरे पास वीडियो नहीं है। अगर आपके पास वीडियो है तो शुरुआत में एक तो आपने वीडियो डाल देनी, ठीक है, फ़ोटो के बदले में। तो मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट पे आऊँगा, फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोस्तों आपने 11 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप जिसकी भी फ़ोटो आप लेना चाहते हो उनकी फ़ोटो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 11 फ़ोटो आपको दिखाने के लिए लेता हूँ। यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे नीचे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, मैंने 11 फ़ोटो ले लिए। इस स्टैच पे निशान पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फ़ोटोज़ आ चुकी है। ठीक है, लास्ट में आएंगे ब्लैक सा पार्ट, उसको डिलीट कर देंगे। ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे 9016 सेलेक्ट कर देंगे ओरिजिनल पे क्लिक करके, नीचे आपको मिल जाएगा क्रॉप का ऑप्शन, पे क्लिक करके यहाँ पे 9016 सेलेक्ट कर देना है। इस स्टेप से आपने जितनी फ़ोटोज़ आपने यहाँ पर सेलेक्ट करी हैं सारी फ़ोटोज़ में यहाँ पे 9016 रेशो सेलेक्ट करना है। ठीक है, इससे ये होता है दोस्तों आपकी जो फ़ोटो होती है वो फ्रेम से बाहर नहीं आती है। ठीक है, जिस फ्रेम में आप डालना चाहते हो उस फ्रेम में ही रहती है। तो आपने 9016 रेशो सारी फ़ोटोज़ में सेलेक्ट कर लेना है। तो लगभग दोस्तों ये हो चुका है एंड लास्ट में भी कर लेते हैं, ये भी हो गया है। तो इतना करने के बाद म्यूज़िक पे आना है, म्यूज़िक पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे आना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर जो आपको वीडियो मिलेगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको दिखाया था ये, इस पर क्लिक करेंगे, ओके चैनल पे क्लिक कर देंगे, म्यूज़िक आ जाएगा सबसे ऊपर फर्स्ट में। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, म्यूज़िक बीट्स पे आएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस स्टेप से आपको म्यूज़िक मिल जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ बीट्स को ऐड करना है, मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैंने बीट्स को ऐड कर लिया, देख सकते हैं आप लोग जो पहली वाली बीट है वो 2.28 सेकंड पे, दूसरी वाली जो बीट है वो 2.93 सेकंड पे, और जो तीसरी वाली बीट है वो है 3.39 सेकंड पे, और जो फोर्थ वाली बीट है दोस्तों वो है 3.70 सेकंड पे, जो फाइव वाली बीट है वो है 4.00 सेकंड पे, और जो सिक्स वाली बीट है दोस्तों वो है 5.13 सेकंड पे, जो सेवन वाली है वो है 5.157 सेकंड पे, जो एट वाली है वो है 5.95 सेकंड पे, जो नाइन वाली है वो है 6.26 सेकंड पे, जो 10 वाली बीट है दोस्तों वो है 6.46 सेकंड पे। इस स्टेप से बीट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी फ़ोटोज़ वगैरह आ चुकी हैं। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपकी पहली वाली बीट है वहाँ को आपने पहली फ़ोटो के साथ कनेक्ट करना है, दूसरी फ़ोटो या दूसरी बीट या दूसरी फ़ोटो कनेक्ट करनी है, तीसरी बीट के साथ तीसरी फ़ोटो कनेक्ट करनी है, फोर्थ फ़ोटो के साथ फोर्थ फ़ोटो कनेक्ट करनी है। उसके बाद आपने करना है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और इसी तरीके से आपने जितनी बीट आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटोज़ को ऐड करते आना है। ठीक है, तो 9 के साथ 9 वाली, 11 के साथ 11 वाली, तो यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ, तो 10 के साथ 10 और इसके साथ इसकी। ठीक है, और लास्ट में तो ये जो वाली है जहाँ तक आपका म्यूजिक है वहीं तक अपनी फ़ोटोज़ को रखना है, एक्स्ट्रा फ़ोटो डिलीट कर देनी, तो फटाफट से इसको डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ तक ले आते हैं यहाँ तक। ठीक है, बाकी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस फोटोज़ हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब दोस्तों इसमें एफेक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं, कौन से कहाँ पे करने हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ एफेक्ट्स जो है ऐड कर लिए, देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। शुरुआत में आपने आना है, ये फोटोज़ दिख रही है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जूम पे क्लिक करना है, जूम आउट वाला या जूम इन वाला आप कुछ भी जो है ऐड कर सकते हो, मैं जूम आउट वाला कर दिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, ये वाली पे एफेक्ट्स पे आना, एफेक्ट्स पे आना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एफेक्ट्स पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपने स्लाइड राइट वाला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो पे आना है, एफ एक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे जीटल वाला, उसके बाद फिर से जीटल वाला, ठीक है। तो ये जीटल वाला है, उसके बाद फिर से जीटल वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो पे भी जीटल वाला लगा देना है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है दोस्तों, इस पर भी आपने जीटल वाला लगा देना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर से आपने जीटल वाला इस पर भी ऐड कर देना है, उसके बाद अगली वाली फोटो में भी जीटल वाला ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अगली वाली में भी जीटल वाला ऐड कर देना है दोस्तों। सबसे लास्ट वाली जो फोटो है उसमें आपने एफ एक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्ट्रोक वाला लगा देना है, ठीक है ना। मतलब मैं आपको कहने की बात यह है, जो शुरुआत वाला है उसमें आपने ये देख सकते हो, शुरुआत वाले में आपने ये लगा देना स्लाइड राइट, उसके बाद जीटल लगा देना सब में, और जो सबसे लास्ट वाला है उसमें आपने स्ट्रोक वाला लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप एफ एक्स को समझ लीजिएगा, इस तरीके से आपने लगाना है, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट कैसे करना है, बहुत आसान है। आपने ऊपर एक्सपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, बट उससे पहले मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ किस टाइप से हमारी जो वीडियो बन के आएगी, ठीक है ना। टूटा पर आ गया हूँ कहाँ बोला आपका। तो इस टाइप से आप इस टाइप की वीडियो की एडिटिंग कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट या इस पर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो जरूर से भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, फटाक से मुझे फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी मटेरियल मैं दोस्तों वीडियो में देता रहता हूँ वो सब आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, आप आसानी से बना सकते हो। और प्रोजेक्ट लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से फोटो रिप्लेस करके फोटो को बना सकते हो, वीडियो को बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।